सर नाम बताएं। मेरा नाम आनंद कंबोज है, बेंगलुरु ट्रेडर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आनंद जी, लगातार सीलिंग का दंश आपको झेलना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, आपकी उम्र इतना पड़ाव भी है, क्या कहते हैं? परेशानी तो आपने सारी देख ली। मैं खुली सिर्फ एक बात की चेतावनी इन नेताओं को देना चाहता हूँ, आज हमने अपने कपड़े उतारे हैं, अगर हम बर्बाद हो गए तो कपड़े इनके भी फाड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। किराया कानून के टाइम में ये हमारी एकता देख चुके हैं, उसी वजह से आज 20 साल हो गए किराया कानून वही का वही है। अब आप जो है आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई। सर बताइए, आर पार की लड़ाई के भी नहीं रहने देंगे, चाहे वो कॉर्पोरेशन में हो, चाहे असेंबली में हो या लोकसभा में हो। इस देश के अंदर अराजक तत्व जितने भी हैं, ये नेता जितने बैठे हैं, सबको हम खत्म कर देंगे। ये तनख्वाह कहाँ से लेते हैं व्यापारी? हमारे पैसे से चलते हैं। चले सरकार और ब्यूरोक्रेसी, वो सरकार को जो तनख्वाह मिलती है, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो सारे तनख्वाहें हमारे रिवेन्यू से जाती है। सरकार का है वो काम हमसे करवा रही व्यापारियों से। सरकार का काम है मार्केट को व्यवस्थित करना, मार्केट को बनाना। अब सीलिंग के मुद्दे पर क्या आर पार की लड़ाई लड़ेंगे आप? सर आर पार की लड़ाई सुनिए, आर पार की लड़ाई तो पहले से ही चल रही है, पहले से ही भूखे मर रहे हैं, मार दे हमें सरकार, इससे अच्छा सरकार हमारा जनता मार दे हमें। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहता हूँ, जब से आजादी हुई है सरकार से पूछिए उसने कितना मार्केट बाजार बनाया है दिल्ली में, जबकि जनसंख्या 7.5 लाख से होकर 1,34,00,000 पहुंच चुकी है। 1,34,00,000 के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है जनता के लिए? अगर आज व्यापारी एक साथ दुकानें बंद कर दे तो एक कमीज खरीदने के लिए 3 दिन का लाइन में लगना पड़ेगा। नेताओं को अपने कुर्ते का जो दुकानें गैर कानूनी चल रही है, अगर सरकार एक साथ बंद कर दे, गैर कानूनी चलाई क्यों, किसने चलाई, कैसे चली, ये व्यवस्था की अव्यवस्था के कारण चली। आज फिर हमसे कन्वर्जन चार्ज लिया जा रहा है बाजार को व्यवस्थित करने के लिए, व्यापारी वो भी दे रहा है फिर भी उनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। ये हमारी सरकार से मांग है कि जो आज 351 सड़कें गवर्नर साहब के पास पहुंच गई हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसको तुरंत से तुरंत क्लियर किया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए। सर एक बार नाम बताओ, डेकोरेशन। नॉर्थ दिल्ली ट्रेडर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ अनिल, मेरा नाम है, आप करुणानगर में परिस्थितियाँ देख रहे हैं। अनिल जी, आज आपने सीलिंग के विरोध में अर्धनंग प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि सीलिंग से फिर भी राहत मिलेगी, सरकार के काम पे घूमेंगे? हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग कितना इस प्रकार से त्रस्त हो चुके हैं कि हम लोग अपने व्यापार के अंदर अपने रोजी रोटी दे रहे हैं लोगों को और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और फिर भी हम लोगों को अर्धनग्न होने की स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हम रेवेन्यू दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, कमर्शियल हाउस टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल बिजली का बिल दे रहे हैं, कमर्शियल पानी का बिल दे रहे हैं, हमसे सरकार क्या चाहती है? कन्वर्जन हम दे रहे हैं, पार्किंग हम दे रहे हैं, कमला नगर के अंदर जो भी, यानी पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ भी कन्वर्जन जमा हुआ है, पार्किंग जमा हुई है, वहीं खर्च होना चाहिए था। सरकार ने वो पैसा कहाँ खर्च किया है हमें नहीं पता। सीलिंग के द्वारा भी आप प्रदर्शन कर रहे थे कि आपके उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, क्या लगता है कि इसी वजह से कि सीलिंग के लिए वजह से ही ये सारा कुछ? सारा परेशान थे सर, पिछले 10 दिन से इतने परेशान है कि वो 3 दिन से तो 10 दिन से तो इतने परेशान है कि मैं रात को 1-1 बजे उनके पास गया हूँ, रात को 1 बजे फोन आ जाता है कि सुनील भाई क्या करूं, मेरी कल दुकान रहेगी रहेगी, ये मेरी पिताजी की दुकान मैं संभाल रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कल क्या बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं। तो आप लोग सीलिंग के विरोध में नाराज हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? सर हम ये कहते हैं सीलिंग रोकनी चाहिए। नहीं, आप हमारे से किस चीज का है? हमारे से कमर्शियल लाइसेंस बनवाया है सारे दुकानदारों ने, उसका टैक्स ले रहे हैं, आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, किस लिए? आज दिल्ली में सरकार ने DDA ने व्यापार के लिए क्या जगह दी? आज देखिए आप DDA की कोई भी मार्केट सक्सेस है क्या? तो इसका मतलब वो प्लानिंग फेल है, व्यापारी खुद काम कर रहा है उसको करने नहीं देना, तो कहाँ से व्यापार करेगा आदमी, कहाँ से दिल्ली का जन कहाँ से अपनी जरूरतें पूरी करेगा? पीछे वाला बॉल भी